హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఫ్రమ్ జోషి ఇన్నోవేషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఈరోజు మనము ఐటీఎం యూనివర్సిటీ గ్వాలియర్లో ఉన్నామండి. సో మనకి ఏదైతే అబ్రాడ్ అడ్మిషన్స్ అవన్నీ చూస్తారో సార్, ఎవరైతే సింగ్ సార్ ఉన్నారో మనతోటి ఉన్నారు. సార్ని అడిగి ఈ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే మనము ఎంతో దూర ప్రాంతం నుంచి ఆల్మోస్ట్ మనకి 16 గంటలు ప్రయాణం చేస్తే హైదరాబాద్ నుంచి, అయితే అదే ఆంధ్ర నుంచి కానీ తీసుకున్నప్పుడు దాదాపు ఒక 20 అవర్స్ ప్రయాణం చేసి ఇంత దూర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీకి వచ్చి చదువుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయనేది ఆ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ, ఎవరైతే మనకు అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ గారు ఉన్నారో, తను అడిగి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ ఏ రకంగా ఉంటుందో ఆ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ 1 బై 1గా తన మాటల్లో విని తెలుసుకుందాం. చెప్పండి సార్. సింగ్ సార్ బతాయే. హలో స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్, మై సెల్ఫ్ విశ్వజిత్ సింగ్ అండ్ ఐఎమ్ సీనియర్ మేనేజర్ అడ్మిషన్స్ ఐటీఎం యూనివర్సిటీ గ్వాలియర్. तो मैं आपको बताना चाहूँगा आईटीएम यूनिवर्सिटी की हॉस्टल फैसिलिटी और आईटीएम यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में. आईटीएम यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है उसमें हमारे यहाँ पे साउथ इंडिया से ही नहीं, जबकि इंडिया के हर स्टेट का बच्चा आपको वहाँ मिलेगा. और इस तो आईटीएम यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है वहाँ पर साउथ इंडिया के अलावा हमारे यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, यहाँ से भी स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ाई करने के लिए. और एक फ़ूड उनका मेजर फैक्टर रहता है कि वहाँ पे हमें फ़ूड फैसिलिटी कैसी मिलेगी. तो फूड के बारे में बताना चाहूँगा, आईटीएम यूनिवर्सिटी हॉस्टल का जो मेन्यू है उसमें साउथ इंडियन फूड जो प्रेफरेंसेज हैं उनको टॉप पर रखा गया है. क्योंकि अगर मैं सेंट्रल इंडिया की बात करूँ तो सेंट्रल इंडिया में आईटीएम यूनिवर्सिटी साउथ इंडियन स्टूडेंट्स की पहली प्रेफरेंस है. पहली चीज़, ये यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में ICAR एक्रेडिएटेड है. और हमारे यहाँ पे जो बीटेक के जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंडर में ऑफर किए जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलता है. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब हो गया कि उसमें हमारे कुछ कंपनीज़, कुछ इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलेब्रेशन है जिसमें स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलता है. इसके अलावा जैसे मैं अकोमोडेशन फैसिलिटी की बात करूँ तो अकोमोडेशन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ का है, लाइक 3-सीटर हॉस्टल फैसिलिटी, 2-सीटर हॉस्टल फैसिलिटी. और फूडिंग में मील फैसिलिटी जो हॉस्टल मेस डिपार्टमेंट है जो प्रोवाइड कर रहा है वो 4 टाइम मील फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें बच्चे को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच, देन इवनिंग स्नैक्स, देन डिनर. यस. सो और सर एक्चुअली इधर का स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में और एक बार बताइए सर. आईटीएम यूनिवर्सिटी का जो आप पीछे देख सकते हैं क्रिकेट स्टेडियम जो है ये BCCI अप्रूव्ड है. और अभी आईटीएम यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें स्पोर्ट्स में ग्रेजुएशन और मास्टर्स में भी प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जिसमें आप BPES है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, MPES, BPED, ये सारे कोर्सेज हम ऑफर करते हैं. और लगभग हम 12 डिफरेंट स्पोर्ट्स में हम स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं उनमें. ठीक है सर. और एक्चुअली जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हमारा बच्चा कुछ फेस होता है सर, सो इज देयर एनी लैंग्वेज प्रॉब्लम? मैं बताना चाहूँगा सर, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, बिकॉज डाइवर्सिटी इज अ आइडेंटिटी ऑफ आईटीएम यूनिवर्सिटी. ओके. यू विल फाइंड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लाइक आईटीएम यूनिवर्सिटी में इंडिया के हर एक राज्य का आपको बच्चा मिलेगा, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश से भी बच्चा मिलेगा, और इसके अलावा इंडिया के अलावा लगभग 25 अलग अलग देशों के बच्चे करंटली हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं. ओके. तो लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा मोर देन 500 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, और अगर मैं साउथ इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूँ तो मोर देन 1000 साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं. तो लैंग्वेज जो है, एक तो बच्चे को क्रॉस कल्चरल एक्टिविटीज सीखने को मिलती है, जिससे उसका मेन जो लैंग्वेज बैरियर है वो तो ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है जब वो इंग्लिश और हिंदी में कन्वर्सेशन अपनी स्टार्ट करता है, क्योंकि इंग्लिश इज़ ए इंटरनेशनल लैंग्वेज. सर हमारा जो साउथ इंडियन का जो बच्चा इधर एक आप बोल रहा 1000 आदमी हमारा बच्चा है जी. सो अभी इधर से गांव जाते हैं सर एक बार, मतलब इधर इसका कब चालू होना है, फर्स्ट ईयर का क्लासेस इंजीनियरिंग का कब चालू होते हैं सर? सर इंजीनियरिंग का जो इंटेक है वो लगभग 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में स्टार्ट होने का प्लान चल रहा है, और जो फाइनल डेट्स हैं वो नोटिफिकेशन के बाद में रिलीज होगी. ओके. सो इधर पूरा CSE का इंटेक कितना है सर? CSE का इंटेक आप मान के चलिए सर हमारा 300 का हमारा इंटेक है, 340 का. सर इसमें से लगभग आप कितना है साउथ इंडियन स्टूडेंट्स को अभी तक एडमिशन हुआ, अभी क्या एक्सपेक्टेशन है? सर हमारे यहाँ पे साउथ इंडियन, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो अभी बीटेक के अंदर हमारे यहाँ पे लगभग 200+ साउथ इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं. सो आधा ऑलमोस्ट लगभग हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साउथ इंडिया. सर वही सर, हम लोग को इतना सारे देश में आधा स्टूडेंट्स आप आईटीएम क्यों चूज कर रहे सर?
क्योंकि सर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स क्या है, एक तो एप्लीकेशन में लेट नहीं करते, हमारे यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो इंटरव्यू के बेस पे होता है, मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ऑफर तो करते ही हैं, उसके साथ साथ बच्चे को एक इंटरव्यू प्रोसेस से भी क्रॉस होना पड़ता है। तो इंटरव्यू में क्या है, बच्चे का जो इंटरव्यू में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें पहले सीट अलोकेशन होता है, तो इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो साउथ से हैं वो थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ देयर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। ओके, यस। So, is there any, what kind of cultural festival you do at ITM University? Sir? ITM University में एक हर साल बहुत बड़ा टेक फेस्ट होता है जो कि ITM University के स्टूडेंट्स के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। Okay. जो कि एक स्टूडेंट एक्टिविटी है जिसमें मल्टीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, उसमें टेक्निकल एक्टिविटीज़ भी होती है, नॉन टेक्निकल एक्टिविटीज़ भी होती है। सो अगर हम लोग साउथ इंडिया का बच्चे जो हम लोग पंजाब वगैरह गए तो ड्रग कल्चर के बारे में हमारा पेरेंट्स बहुत परेशान में है, आपका आईटीएम में कुछ आईटीएम का कुछ ड्रग कल्चर क्या है? नो सर, दिस सिटी इज टोटली ड्रग फ्री एंड दिस कैंपस इज टोटली ड्रग फ्री एंड यू कैन से इवन अल्कोहल इज नॉट अलाउड इन द कैंपस, सो ड्रग इज अ वेरी बिग थिंग। सो इज देयर एनी, यू नो सर, ग्वालियर इज अ प्लेस वेयर यू विल नॉट फाइंड लाइक एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। Okay. Yeah. So, any ragging activity inside the campus? No, sir. This is a ragging-free campus. Okay. Yeah. And we have separate anti-ragging committee in the university campus who take action against those kind of things. Okay. So, कुछ झगड़ा-गड़ा तो नहीं होता ना सर locals का बीच में और other state का? Fully disciplined campus है और हमारे जो students और जो parents, actually क्या है ITM में एक mentorship pedagogy कह सकते हैं, mentorship एक परिपाटी चली आ रही है जिसमें हर एक 40 बच्चों पे एक मेंटोर यूनिवर्सिटी अलॉट करती है, वो मेंटोर डिपार्टमेंट से होते हैं, उस मेंटोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके अंडर में जो 40 बच्चे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, डिसिप्लिन में हैं कि नहीं, उनका डेली ऑब्जर्वेशन होता है। ओके, सो जो ऑब्जर्वेशन आप बोल रहा है ये पेरेंट्स को पहुंचेगा सर, कैसे पहुंचेगा? सर हमारे यहाँ पे एक MIS पोर्टल चलता है जिसमें बच्चे की आप अटेंडेंस, बच्चे की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, वो सारी अपडेट्स आपको MIS के थ्रू अपडेट मिल जाती है, MIS पे सारी चीज़ें अपलोड हो जाती है, उसका एक्सेस पेरेंट्स को भी मिलता है जिससे कि वो अपने बच्चे की जो भी परफॉर्म वो कर रहा है, चाहे वो अटेंडेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में उसकी परफॉर्मेंस हो, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है MIS पोर्टल। ओके सर, ये तो नॉन वेज कैंपस है सर, वेजिटेरियन का कैंपस? ये नॉन वेज कैंपस है, नॉन वेज फैसिलिटी हॉस्टल में अवेलेबल है। सो नॉन वेज, ओके। हफ्ते में कितना बार नॉन वेज? हफ्ते में आप मान के चलिए मैक्सिमम 3 बार। मैक्सिमम 3 बार। अंडा एक फैसिलिटी, एक तो रहता ही, मतलब अंडा, मतलब 3 बार आपको नॉन वेज मिल जाएगा सर? जी सर। Okay. मैक्सिमम 3 बार, कई बार मिनिमम 2 बार भी होता है। 2 बार तो नॉन वेज फैसिलिटी मिलता है, मिलेगा मैं मैक्सिमम कई बार 3 बार भी मिल जाता है। ओके सर, मेरे को हम लोग पूरा हम लोग कैंपस टूर किए ना सर, तो हॉस्टल तो बहुत दूर दिख रहा है, तो ये पैदल लाना पड़ता है? नहीं, वहाँ पे बच्चों के लिए साइकिल की फैसिलिटी है। नीचे जैसे आपने हॉस्टल का वो जो देखा होगा एरिया, वहाँ पे आपने साइकिल स्टैंड देखा होगा। ओके, तो वहाँ पे बच्चों के लिए साइकिल की फैसिलिटी भी है, बच्चे साइकिल से भी आ सकते हैं। ये इंडोर स्पोर्ट्स एरिया में जिम फैसिलिटी भी है सर? जिम फैसिलिटी है, टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, ताइक्वांडो है, कुश्ती है, बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल। सर फैसिलिटीज तो इतना दिखना सर, कितना PDA है सर, फिजिकल डायरेक्टर साहब के पास, मतलब ये जो पूरा सिखाने के लिए तो आपको सुविधा है? जी जी जी, हमारे यहाँ पे सर अभी करेंटली मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे फैकल्टीज जो हैं PTI जो हैं उसमें लगभग 9 से 10 हमारे स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स हैं। 9 से 10 इंस्ट्रक्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स, जो किसी भी टाइप के स्पोर्ट्स में बच्चों को कोचिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जब भी हमारा पेरेंट्स कैंपस विजिट करता है उसको रहने का कुछ सुविधा है सर कैंपस में? हाँ, कैंपस में गेस्ट हाउस की फैसिलिटी है। कितना चार्ज करते हैं सर उसका? सर वो आपको बताऊँ 500 रुपीज़ उसका चार्ज रहता है नॉर्मल का। ओके, खाना के साथ वो 500 रुपये वो पे करे तो कोई भी पेरेंट्स आके बच्चे के साथ 2-3 दिन रह सकते हैं। फूड फैसिलिटी सेपरेट है, फूड के लिए उन्हें जो वो ऑप्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें पे करना। सो खाली अकोमोडेशन के लिए 500 रुपये तो पे करे तो आपको हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सिंह जी, सो आपसे मिलने के लिए। सो हमारा तेलुगु स्टूडेंट्स को आप फाइनल में क्या मतलब, सो टू वेलकम आवर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, आपका वेलकम ऑल साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड टू स्टडी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर, बिकॉज हियर इन ITM यूनिवर्सिटी वी आर ऑफरिंग मोर देन 80+ कोर्सेज इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, इट इज वेदर इट इज़ अबाउट इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, लॉज, जर्नलिज्म, नर्सिंग, and we welcome all the students, those who are really interested to study in ITM University. Okay, thank you Singh ji, thank you everyone.